जय श्री महाकाल। आप सभी मित्रों का बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज आपके साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे 12 राशि में धनु राशि के विषय में हम चर्चा करेंगे। धनु राशि के जातकों का क्या स्वभाव होता है, क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, इन सभी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे शीघ्रता से मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12 राशियों के बीच में धनु राशि 90 नंबर की राशि है, नवम नंबर की राशि है। जी हाँ, जिसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है और धनु राशि के जातकों में अपने स्वामी के गुण धर्म और स्वभाव देखने को मिलते हैं। हम विस्तार से बात करते हैं इस विषय पर कि धनु राशि के जातक का क्या स्वभाव होता है, क्या उसके गुण होते हैं, अवगुण होते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो धनु राशि के जो जातक होते हैं वह गुणग्राही होते हैं। जी हाँ, किसी भी चीज़ को सीखने में उन्हें बहुत अधिक समय नहीं लगता है। वह जल्दी से शिक्षा के माध्यम से, सुनने के माध्यम से या किसी भी माध्यम से गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। अध्ययन प्रियता इनका स्वभाव होता है, पढ़ना लिखना, अध्ययन करना और अध्ययन कराना। बुद्धिमान होते हैं और तर्कवादी भी होते हैं। जी हाँ, ऐसे जो जातक होते हैं वह बुद्धिमान होते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करने वाले होते हैं, लेकिन यदि पाप प्रभाव हो जाए तो मंद बुद्धि भी ऐसे जातक रह जाते हैं। इनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, तर्कवादी ऐसे जातक होते हैं और लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना इनका स्वभाव होता है। अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहते हैं, उसके प्रति सचेष्ट रहते हैं और एक पाप प्रभाव के कारण या कभी कभी पाप के साथ अधिक गुणों के कारण अहंकार भी इनमें हो जाता है और उस अहंकार के कारण अति धूर्तता भी ऐसे जातकों में देखी जाती है। लेकिन यह पाप प्रभाव से इनके ऊपर देखने को मिलती है। अब यह अव्यवहारिकता, जी हाँ, ऐसे जातकों में अव्यवहारिकता भी देखने को मिलती है। उसके पीछे कारण यह है कि ऐसे जातक सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, इसीलिए यह जातक अधिक व्यवहार नहीं बनाते हैं। परंतु किसी अच्छे और शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो ऐसे लोग व्यवहारिक भी अधिक देखे जाते हैं। यह निर्भर करता है ग्रह की शुभता या अशुभता के ऊपर। दानशील और कवि, जी हाँ, ऐसे जो जातक होते हैं वह दान करने वाले होते हैं, ज्ञान का भी दान करते हैं और अपने पास स्थित जो भी चीज होती है आवश्यक व्यक्ति को अधिकतर ऐसे जातक जो है दान करने वाले होते हैं। बहुत अच्छे कवि होते हैं जो अपनी कल्पना को वास्तविकता में भी ले आते हैं और रचनात्मक कार्य बहुत अधिक करते हैं ऐसे जातक। और बहुत अच्छा वक्तव्य वाला, शब्दों को बहुत अच्छे से प्रयोग करने वाले ऐसे जातक होते हैं, शब्द के रहस्य को जानने वाले होते हैं और सदैव कर्मशील। जी हाँ, ऐसे जो जातक होते हैं वह सदैव कर्मशील होते हैं, अपने कार्य को लगातार करने वाले होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं और हठ योगी होते हैं, बहुत आसानी से किसी की भी बातों में नहीं आते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन्हें बलपूर्वक अपने पास लाना चाहता है तो ऐसे जातक जो है, धनु राशि के जो जातक, वह बहुत आसानी से किसी के भी वश में नहीं आते हैं। और कुल प्रधान, जी अपने कुल में प्रधान, अपने गांव में प्रधान, शुभ योग से अपने गांव और कुल में प्रधान भी ऐसे जातक देखे जाते हैं। नीति निपुण और धार्मिक, जी हाँ, नीति में निपुण होते हैं, धार्मिक व्यवहार होता है, धार्मिक कार्यों में हमेशा भाग लेते रहते हैं, सूरवीर होते हैं और कोमल हृदय वाले भी होते हैं। कोमल ज्ञान के साथ इनके हृदय में अति कोमलता भी पाई जाती है। और कला निपुण, जी हाँ, कला में चाहे वो शस्त्र विद्या हो, शास्त्र विद्या हो या किस कोई भी विद्या हो, उसमें अगर वह जाते हैं तो विद्या विशेष में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो यह जो गुण धर्म है वह धनु राशि के हैं। अगर आप ऐसे गुण धर्म अगर किसी जातक के अंदर देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह धनु राशि का व्यक्ति है जिसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है। ऐसे गुण अपने स्वामी के बलवान होने पर जातक के
अंदर अवश्य देखने को मिलते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।